वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाजमिन और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो इसका नाम है आपका अराउजल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के बहुत सारे अप्रोचेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उनमें से एक अप्रोच है अराउजल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन की। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में अप्रोच जो अराउजल अप्रोच है मोटिवेशन की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे यर्किस डॉटसन लॉ, कि उन्होंने किस तरह से अराउजल की बात की, ऑप्टिमम अराउजल लेवल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अराउजल होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अराउजल। ठीक है, तो हम लोगों ने जब लास्ट में हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी थी, तो हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जब हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे किसी मटेरियल की या एनर्जी की कमी होती है, तो हमारे अंदर एक नीड जनरेट होती है। ठीक है, उस नीड की वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे एक टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो टेंशन क्रिएट होता है, उस साइकोलॉजिकल टेंशन को हम बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, तो नीड जनरेट हुई, फिर नीड के बाद क्या हुआ, ड्राइव। ड्राइव के बाद में क्या होता है, जब नीड के बाद ड्राइव जनरेट होती है, तो उसके बाद में आपकी बॉडी में एक अलग तरह का क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल आता है, या एक तरह की उत्तेजना पैदा होती है। मतलब आप जो है एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते, अब आपको उठना है। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, तो जब आपको भूख लगी, नीड जनरेट हुई फूड की, साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ, और उस भूख की वजह से जो आपके अंदर एक्साइटमेंट या फिर एक अलग फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो उस काम को करने के लिए आपको उठा रहे हैं कि चलिए उठते हैं और जाना है, कहाँ पे जाना है, किचन में जाना है, खाना खाना है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस चीज के लिए बोलते हैं अराउजल। ठीक है, तो अराउजल बेसिकली क्या होता है, एक तरह से आप एक सिचुएशन वो इमेजिन कीजिए, जब आप कभी जब कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, तो उस समय आपको किस तरीके का महसूस होता है, अंदर से बहुत एनर्जी होती है कुछ करने की, है ना, और बहुत खुशी होती है। या जब आप, इसका अपोजिट भी होता है, जब हमारे साथ में क्या होता है, कभी बैड सिचुएशंस होती है, कुछ ख़राब से सिचुएशंस होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमारे साथ में क्या होता है कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये काइंड ऑफ अराउजल है जो आपके सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को दिखाता है। आई होप अराउजल का मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अराउजल अप्रोच बोलती क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए अराउजल अप्रोच ये कहती है कि अगर आप किसी भी वर्क को करना चाहते हैं, किसी भी टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं या उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल होना चाहिए। अगर वो उत्तेजना मतलब वही आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपके अंदर वो उत्तेजना नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्लियर, या फिर आप उस काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो अराउजल अप्रोच ये बोलती है कि हमको किसी भी काम को करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम उस काम को, उस गोल को, उस टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं यर्किस डॉटसन ने क्या कहा है। ठीक है, चलिए देखिए, The arousal theory of motivation suggests that people are driven to perform action in order to maintain an optimum level of arousal. मतलब कि अराउजल लेवल की जो अप्रोच है वो ये बोलती है कि पीपल जो है वो ड्राइव करते हैं, ड्रीवन होते हैं, किसके लिए, अपने अंदर हुए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आप अगर कोई काम करना चाहेंगे, तो उस काम करने के लिए आपके अंदर सर्टेन लेवल का या एक मिनिमम लेवल का आपको क्या चाहिए होगा, अराउजल लेवल चाहिए होगा। तो उस अराउजल लेवल को बैलेंस करने के लिए हम लोग कोई भी काम करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट जनरेट होता है, उस एक्साइटमेंट को क्या करना है, हमको फुलफिल करना है, तो हमको क्या करना होता है, कोई ना कोई मतलब उसको शांत करना होता है, उसको फुलफिल करना होता है, इसलिए हम कोई ना कोई काम या कोई ना कोई टारगेट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। देखिए ये क्या बोलता है कि ईच पर्सन हैज यूनिक अराउजल लेवल दैट इज राइट फॉर देम।
मतलब हर एक इंसान का जो है वो अराउजल लेवल डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, उसके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है. जैसे आप हो, आपके लिए भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम बहुत मैटर करता है, तो उसके लिए आपका जो अराउजल लेवल होगा वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में को इतना सीरियस नहीं लेते, या सिर्फ एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लेते पैटर्न क्या है, ठीक है. तो उनका अराउजल लेवल जो है वो अलग होगा, और आपका जो कि बहुत सिंसियरली बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अराउजल लेवल अलग होगा. बात समझ आई? तो ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक का अराउजल लेवल जो है वो अलग अलग होता है. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी. चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें यह है क्या कि लेवल व्हेन आर अराउजल लेवल ड्रॉप बिलो दिस पर्सनलाइज्ड ऑप्टिमल लेवल, वी सीक सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन टू एलिवेट देम. किसी वजह से अगर हमारे हमारा जो है अराउजल लेवल ऑप्टिमम नहीं है, एक आदर्श कंडीशन में, एक आइडियल कंडीशन में नहीं है, जितना ज़रूरी होता है किसी वर्क को करने के लिए. लाइक आप किसी काम के लिए उतना मोटिवेटेड फील ही नहीं करते, आपके अंदर अराउजल ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, बीच में डीमोटिवेशन आता है. अब जब डीमोटिवेशन आता है तो हमारा अराउजल लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब मन नहीं करता है कुछ पढ़ने का या करने का. फिर हम क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, सर्टेन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ताकि हम उस ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल को, या अराउजल ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल को गेन कर सके, या एक सर्टेन अराउजल को प्राप्त कर सके थ्रू मोटिवेशनल वीडियो के. कहीं ना कहीं से तो हम अपने अराउजल को क्या करें, एलिवेट करें, ताकि हम वापस से अपनी स्टडीज पे जा सके. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी. चलते हैं आगे की तरफ. चलिए, तो ये अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है आपकी, ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा हम आगे इसको देखेंगे. यहाँ पे पहले क्या, द यर्किस डॉटसन लॉ ऑफ अराउजल एंड परफॉर्मेंस, अराउजल एंड परफॉर्मेंस का यर्किस डॉटसन लॉ क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं. चलिए चलते हैं, ठीक है. ये बोलता है, रॉबर्ट यर्किन एंड जॉन डॉटसन डिस्कवर्ड दैट द ऑप्टिमम अराउजल लेवल डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ द टास्क. क्या मतलब हुआ कि जो अराउजल लेवल है आपका वो किस पे डिपेंड करता है, आपका कॉम्प्लेक्सिटी पे और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टास्क, मतलब कि काम कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डिफ़िकल्ट है, उसके ऊपर आपका अराउजल लेवल डिपेंड करता है. कैसे, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बड़ी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम या यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम, तो ये जब बड़े लेवल के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एग्जाम अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, तो आपका जो अराउजल लेवल है आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा. मतलब उसके लिए जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल होगा उसका, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी. मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अराउजल लेकर के आए होंगे नॉर्मल लोगों से, आपकी बॉडी ने ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल को क्या किया होगा, गेन किया होगा, तब जाकर के आपने इतने बड़े टारगेट को सेट किया है, ठीक है. अब उसको कंप्लीट करना है, लाइक यूपीएससी करना है या जेआरएफ करना है, तो आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, जो लोग थोड़ी कम डिफिकल्ट या कम कॉम्प्लेक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है. मतलब आपको ज़्यादा अराउजल की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपका जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो लोग उतने अच्छे से क्या नहीं करते हैं, जो लोग उतने अच्छे से सॉरी जो लोग उतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी है, जो लोग अपने टारगेट को उतना अच्छा कंप्लीट नहीं भी करते, उनमें भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी. चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्या बोलता है. तो द यर्किस डॉटसन लॉ इज द थ्योरी दैट देर इज एन ऑप्शन ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, ठीक है. क्या बोलता है कि देर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है किस चीज़ के लिए, रिजल्ट दैट रिजल्ट इन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. अगर आपको कोई काम थोड़ा अच्छे से करना है, एक ऑप्टिमम आदर्श स्थिति में परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपके पास में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल होना कंपलसरी, ये यर्किस डॉटसन लॉ
कहता है, ठीक है। अगर आपको अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ये आपका टारगेट है, तो आपके अंदर सर्टेन अराउजल उस लेवल पे चाहिए होगा, एक ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए होगा, ताकि आप ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन में या एंशियस होकर के डिप्रेशन में चले जाए। अगर ज़्यादा अराउजल हो गया, ज़्यादा ही आप शारीरिक रूप से उत्तेजित हो गए, दिमाग के साइकोलॉजिकल लेवल पे आपका अराउजल बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस एग्जाम में डिप्रेस हो जाएंगे, टेंशन आ जाएगी, तो फिर आप वो काम बहुत ख़राब कर देंगे, आपका परफॉर्मेंस जो है एग्जाम में बहुत ख़राब हो जाएगा। या फिर अगर आपका अराउजल लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, आप लेजी फील कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप उस काम को करेंगे ही नहीं, मतलब आपका एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम लेवल, ना तो ज़्यादा होना चाहिए अराउजल लेवल, ना ही कम होना चाहिए, तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक बैलेंस कंडीशन के साथ में, सर्टेन अराउजल के साथ में आपके टारगेट को, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके और टारगेट को अचीव कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, टू लिटिल अराउजल doesn't provide much in the way of motivation, मतलब कि अगर बहुत कम अराउजल होगा तो वो आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा कि आप काम करें, लाइक आप लेजी फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, नींद आएगी आपको, आपके पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपका मन नहीं कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा लेजी हो, इसका मतलब ये कि उस समय आपका अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आपको, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका अराउजल लेवल है वो एक ऑप्टिमम लेवल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर अराउजल लेवल कम तो लेजीनेस, अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेस, एंजाइटी। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं, इसका एक उन्होंने पूरा कर्व फॉर्म में दिया है, उस कर्व को समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके बारे में बताया हमको, चलिए, यह है आपका द यर्किस डॉटसन लॉ, इन्वर्टेड यू मॉडल, ठीक है। इन्वर्टेड यू मतलब कि उल्टा यू, इस तरीके से यू कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये उल्टा यू मॉडल दिया, किसने दिया, यर्किस डॉटसन ने, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि, ध्यान से सुनिएगा, यर्किस डॉटसन लॉ ने इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक आपका ये बोलता है, चलिए तो ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाली लाइन जो है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, देखें, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाली लाइन आपकी दिखा रही है परफॉर्मेंस, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये आपका दिखा रहा है अराउजल, ये लाइन आपकी क्या दिखाएगी, अराउजल, और ये लाइन आपका दिखाएगा परफॉर्मेंस, क्या दिखाएगा, परफॉर्मेंस, और ये क्या दिखाएगा, अराउजल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखेगा ओ, ठीक है, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, और इस तरह से फिर क्या बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, और इस तरह से आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपका अराउजल लेवल कम होगा, लाइक यहाँ पे आप होंगे, देखिए, जब आपका अराउजल लेवल कम होगा तो आपका परफॉर्मेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अराउजल बढ़ने के साथ साथ आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, पीक तक आएगा आपका अराउजल लेवल, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और अगर उससे ज़्यादा हो गया, जैसे ये तो बढ़ ही रहा है ना, ये देखो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका अराउजल हो गया तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका बताइए, तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस एकदम कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बात समझ आई। तो ये एक ऑप्टिमम लेवल है जहां पर आपका
वर्क परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगा और आप सबसे ज्यादा हैप्पी होंगे, ठीक है। उससे ज्यादा अगर अराउजल हो गया तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, और उससे कम रहा अराउजल तो आप लेजीनेस फील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है, क्लियर। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपका सबसे ऑप्टिमम लेवल है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल। ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल, गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आगे की साइड बात करेंगे हम। ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल जब हो जाता है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पे कि जब ऑप्टिमम, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, जब ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल वैल्यू अगर कम है, ठीक है, क्लियर, इस वाली कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, कम है, तो यहाँ पे आप काम इतना अच्छे से नहीं कर रहे ना, यहाँ पे आपको क्या है, लेजीनेस है, ठीक है, आप फटीक फील करेंगे क्योंकि आप काम अच्छा ही नहीं कर रहे ना, आपका अराउजल लेवल ही नहीं है, ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे आपका वर्क परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद में ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आप कैसा महसूस करेंगे, स्ट्रेस, ठीक है, एंशियस, ठीक है, यहाँ पे आप एंशियस महसूस करेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रेस होगा, और ज़्यादा ही करेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बात समझ आ रही है। तो ये वाली बात है जो आपको याद रखना है कि डॉटसन लॉ ने आपको बताया कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल की ज़रूरत होती है अगर हमको अपना परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए होता है। तो यर्किस डॉटसन लॉ अराउजल, ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल और वर्क परफॉर्मेंस में क्या बताता है, संबंध को बताता है, इनके बीच रिलेशनशिप को बताता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार आगे पीछे की साइड स्लाइड पे को देख लेते हैं। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, यही वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर अराउजल आपका लो है, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये, ठीक है, अगर आपका अराउजल लो है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, फटीक, स्लीपीनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको थका हुआ लग रहा है, आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे होगा कि आपका, आपके काम में इंक्रीज, आपका अटेंशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, मतलब आपका अराउजल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर आपका अराउजल बढ़ेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी क्या करेगा, देखिए परफॉर्मेंस ये परफॉर्मेंस है ना, ये भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचेगा और उसके बाद क्या करेगा, धराम से नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, किस वजह से, टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल अराउजल से ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है ना, जब आप साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आपको अपना 12th बोर्ड याद है, 10th बोर्ड याद है, तो आप पूरे ईयर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों को, या कभी आपके खुद के साथ भी हुआ होगा कि आप जाते हैं, बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ, बहुत अच्छे से मेहनत की होती है, लेकिन आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, इतना टेंशन में आ गए होते हैं कि लाइक जब आप एग्जाम में बैठे, आप एग्जाम हॉल में, आपके हाथ में पेपर आया तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आया, सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो उसकी वजह से आपका अराउजल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब आगे आने वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आप ढंग से नहीं कर पाए, आप स्ट्रेस में चले गए, आपको एंजाइटी होने लगी, ठीक है, और आपको जो आता था आप वो भी नहीं लिख पाए। तो ये एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन है, जब अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो परफॉर्मेंस एकदम से वीक हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आज का सेक्शन भी समझ आया होगा यर्किस डॉटसन लॉ का, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, इसके आगे की जो मोटिवेशन थियरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, एग्जाम आने वाली है, आप बार बार रिवीजन पे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, और प्लीज़ PYQ उसको ज़रूर मस्त कीजिएगा, मैं यहाँ पे भी PYQ आपको करवा रही हूँ, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे PYQs मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग, and be honest about your target. Thank you so much.